हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं कैरमल पॉपकॉर्न। ये देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है, ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने पॉपकॉर्न लिए, ये रेडीमेड पॉपकॉर्न लिए हैं, आप चाहे तो घर में बना सकते हैं। और ये मेजरिंग कप है 1 कप, तो हम इससे मेजर करने वाले हैं। 2 पैकेट पॉपकॉर्न यहाँ पर अगर हम मेजर करते हैं तो होता है 4 कप, तो यहाँ पे हमने इस कप से 4 कप पॉपकॉर्न ले लिया है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हमें डालना है शक्कर। 4 कप पॉपकॉर्न है तो इसमें हम शक्कर डालेंगे 1 कप। 1 कप शक्कर डालना है हमने इसमें। सेम कप से हम मेजर करेंगे जिससे हमने पॉपकॉर्न मेजर किया था। अब नेक्स्ट हम इसे धीरे धीरे धीमी आंच पर हमने इसे मेल्ट कर लेना है। जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इसे छोड़ मत दीजिए वरना ये जल जाएगा। कंटिन्यू इसे हिलाते हुए आपको इसे मेल्ट करना है, तो चलाते रहिए और धीरे धीरे ये मेल्ट होते रहेगा। ये देखिए, धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है कुछ इस तरह से। अब धीरे धीरे इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ब्राउन कलर होने लगा है धीरे धीरे। बस मेल्ट होने तक इसे पकाना है। मेल्ट होने के बाद इसे नहीं पकाना है। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें डालना है बटर, क्लैरिफाइड बटर। यहाँ पर हम डालने जा रहे हैं 4 टेबलस्पून बटर हमने यहाँ पे डाला है, और इसे कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। उसके बाद हमने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालना है, और इसे चलाते रहना है। ये सारा प्रोसेस हम बंद गैस में कर रहे हैं, चालू नहीं रखा है हमने। अब हम इसमें पॉपकॉर्न डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक पूरी तरह से ये एकदम से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब हम इसे सर्व करके आपको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आप इसे शुगर मेल्ट होने के बाद पकाते हैं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाती है, बटर डाल देते हैं आप उसमें, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और उसके बाद वाला प्रोसेस आपको गैस बंद करके करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।